सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं कोविड के बारे में एक बुरहानपुर जिले की कल की घटना के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी कहा है कि हमको कोविड के लक्षणों को बहुत जल्दी पहचानना होगा और समय पर अस्पताल आना होगा। पिछले साल के वायरस में और इस साल के वायरस में बहुत अंतर है। ये बहुत तेज़ी से फेफड़ों में संक्रमण फैलाता है और एक तय सीमा से ज़्यादा संक्रमण होने पर या फेफड़ों में बहुत अधिक संक्रमण फैल जाने पर आदमी को फिर अस्पताल में बचाने में डॉक्टर्स को बहुत परेशानी आती है और कई बार तो तमाम प्रयासों के बावजूद जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। कल ही हमारे ज़िले में लोधीपुरा के एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में डेथ हुई है और उसका कारण सिर्फ ये है कि वो युवक अपने ही गली मोहल्ले के किसी स्थानीय व्यक्ति से या स्थानीय अनक्वालिफाइड व्यक्ति से अपना इलाज कराता रहा, जबकि उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार था 7-8 दिन से। 7-8 दिन इस तरह का इलाज कराने से उसके फेफड़े पूरे संक्रमित हो गए और अस्पताल जब वो आया तो उसका SpO2 बहुत ही कम था और मात्र 24 घंटे के अंतराल में उसके अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। इस तरह की केसेस में ये स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की लापरवाही है। हमको ये बात स्पष्ट रूप से माननी होगी कि ये वायरस बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलाता है, तो हमको अपने लक्षणों को जल्दी पहचानना होगा और 1 या 2 दिन में ही हमको जो है हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमको निर्णय लेना होगा कि हमको होम आइसोलेशन में रहना है, वो भी किसी डॉक्टर की सुपरविजन में, या मुझे अस्पताल में आना है, या मेरी SpO2 भी कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें हमको खुद को जागरूक होकर देखनी होगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जब भी कोई लक्षण आए, जब भी शरीर में ऐसी कोई चीज़ हो जो हमेशा से अलग हो रही हो, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आंखों में सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली कोई और बीमारी आज के टाइम में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये आना चाहिए, क्या मुझे कोरोना हो गया है, क्या मुझे कोविड का संक्रमण हो गया है, ये पहला प्रश्न आना चाहिए। ना कि ये प्रश्न आना चाहिए कि कल रात को मैंने ये खा लिया था इसलिए मुझे लूज मोशन हो गए, या मैं जो है आइसक्रीम खा ली इसलिए मुझे ऐसा हो गया, या जो है मुझे लू लग गई है। ये तमाम प्रश्न सामान्य दिनों में होते हैं। अब जब एक महामारी फैल रही है तो सबसे पहले हमारे शरीर में कोई भी अजीब चीज़ हो तो हमको पहला शक ये होना चाहिए कि हमको कोई महामारी की चपेट में तो नहीं आ गया, क्या मुझे कोविड तो नहीं है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में सही समय पर आना चाहिए और हमको फिर सही डॉक्टर से सही इलाज कराना चाहिए। ये दो चीज़ हम लोग तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं और अपने परिवार दोनों को संक्रमण में बचाने में कारगर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बुरहानपुर के लोग इस वीडियो के बाद से इस चीज़ को लेकर गंभीरता से लेंगे और समय पर सही डॉक्टर से सही इलाज कराएंगे और सदैव मास्क लगा के रखेंगे। धन्यवाद।